अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में जो बहुत अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत चेहरा भी रखती थी, लेकिन आप ज्यादा फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग रोल और करेक्टर एक्ट्रेस में ही नजर आई और बहुत कम अरसा में ही इस दुनिया में रही, यानी जवानी में ही वफात पा गई। आज हम माजी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा के बारे में बात करेंगे, उनको यादों की दुनिया में दोबारा जिंदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार नबीला की। कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने अदाकारा नबीला के बारे में बायोग्राफी बनाने की रिक्वेस्ट की, मगर कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता था। लेकिन आज हम नबीला के बारे में वीडियो बनाकर आप सबको उनकी जाती जिंदगी, फिल्मी सफर से लेकर मौत तक की दर्दनाक कहानी से आगाह करेंगे। और इस वीडियो की रिसेंट रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम इमरान है, उन्होंने की। मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान और दूसरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने दरख्वास्त की थी उन समेत आप सब लोग पसंद करेंगे। बगैर वक्त जाया किए वीडियो की जानिब आते हैं। फिल्म स्टार नबीला, जिनका असल नाम शेरी गुल था, जो 1947 या 1948 को लाहौर में पैदा हुई, आपकी तारीख पैदाइश का कहीं भी जिक्र नहीं है। आपका ताल्लुक पश्तून फैमिली से था। फिल्म स्टार नबीला की मुलाकात अपनी एक दोस्त के तवस्सुत से उस वक्त के मशहूर फिल्म मेकर SM यूसुफ से हुई, जिन्होंने आपको देखते ही अपनी आने वाली फिल्म दुल्हन में काम करने की ऑफर की, जिसको शेरी गुल ने फौरन कबूल कर लिया। इस तरह आपकी डेब्यू फिल्म दुल्हन, जो 1963 में रिलीज हुई, जिसमें आप बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर सामने आईं, मगर मस्कुरा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अपनी पहली फिल्म से ही आपने अपना नाम तब्दील करके नबीला रख लिया था। इसके बाद SM यूसुफ की दूसरी फिल्म आशियाना, जो 1964 में रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई, इस फिल्म में भी आपका रोल बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का था। 1966 में फिल्म पैदागी रिलीज हुई, जिसमें आप बतौर सेकंड हीरोइन अकमल साहब के साथ आई। इस फिल्म के डायरेक्टर मलक अमीन थे और इस फिल्म में अकमल साहब ने डबल रोल किया था, मगर मस्कुरा फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल 1966 में फिल्म बदनाम रिलीज हुई, जिसमें नबीला मावन अदाकारा के तौर पर सामने आई और आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। मस्कुरा फिल्म मशहूर अदीब सादत हसन मंडो की याद में बनाई गई थी और इसकी कहानी आपके मशहूर अफसाने झुमके से माखूज थी। मस्कुरा फिल्म बहुत कामयाब रही और इसी फिल्म की बदौलत फिल्म स्टार नबीला को शोहरत मिली। 1968 में फिल्म 14 साल रिलीज हुई, जिसमें आप पहली और आखिरी बार बतौर हीरोइन फिल्म स्टार यूसुफ खान के साथ आईं, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। नबीला जी अपने कैरियर के शुरुआत में बतौर सपोर्टिंग रोल में नजर आईं और ये पहली फिल्म थी जिसमें फिल्म मेकर अशरफ खान ने आपको बतौर हीरोइन मुतारफ करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और फिर बाद में आपका फिल्मी कैरियर बतौर सपोर्टिंग रोल और करेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर ही रहा। 1973 में पंजाबी फिल्म जिद्दी रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। इस फिल्म में नबीला बतौर करेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर सामने आई और इस फिल्म में आपकी जज्बाती अदाकारी को बहुत पसंद किया गया, बल्कि मस्कुरा फिल्म आपके फनी सफर में सबसे बड़ी फिल्म समझी जाती है। फिल्म स्टार नबीला ने तकरीबन 100 के लगभग फिल्मों में काम किया, जिनमें 70 के करीब फिल्में पंजाबी जुबान में और 27 के करीब फिल्में उर्दू जुबान में थी। आपकी आखिरी फिल्म का नाम मोहब्बत और मजबूरी थी, जो कि उर्दू जुबान में थी, जो कि आपकी वफात के 2 सालों बाद यानी 1981 में रिलीज हुई। अब बात करते हैं नबीला के जाती व अजवाजी जिंदगी के बारे में। शोबिज के कैरियर के दौर में ही फिल्म स्टार नबीला नशे की लत में लग चुकी थी, जिसकी वजह से साथी फनकार और फिल्म मेकर्स ने आपसे दूरी अख्तियार कर ली थी। फिर नबीला ने किसी प्राइवेट बंदे से शादी कर ली, यानी उसका शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो शादी ज्यादा अरसा कायम ना रह सकी, नतीजा तलाक की सूरत में हुआ। उसमें से नबीला की एक बेटी पैदा हुई। शादी के बाद नबीला ने शोबिज को खैरबाद कह दिया था, लेकिन जब आपकी ज़वाजी जिंदगी कामयाब ना हो सकी तो एक बार फिर नबीला ड्रग्स लेने लग गई और बहुत हैवी मिकदार में ड्रग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई। आप लाहौर में ही एक फ्लैट नुमा कमरे में अकेली रहती थी। आपकी बेटी भी आपकी वालदा के पास रहती थी। इसी हालत में आपकी सिर्फ 30 से 35 साल की उम्र में मोरखा 11 जुलाई 1979 को उसी फ्लैट में मौत हो गई और आपको लाहौर के ही किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। आपकी कब्र के बारे में कोई भी नहीं जानता, पता नहीं आपका नामोनिशान भी होगा या नहीं, लेकिन मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शरी गुल उर्फ नबीला की मगफरत के लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मरहूमा के तमाम गुनाह माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा अदाकार के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।